अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू ढाबा किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि अल्लाह लेबनान में और हम सबको अपनी हिफाजत में रखे, आमीन। तो ईद तो हो गई ख़त्म, कैसी रही आपकी ईद? मेरी ईद तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी। तो चलिए देखते हैं ढाबा किचन में अब क्या बनने जा रहा है। तो ढाबा किचन में आज इस गर्मी के मौसम में बनने जा रहा है ठंडा ठंडा कूल कूल प्लम जूस, यानी आलू बुखारे का शरबत। ये बहुत ही रिफ़्रेशिंग बनता है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हमें चाहिए 1/2 kg प्लम, आलू बुखारे, 1 jug वाटर, ब्लैक सॉल्ट 1 teaspoon और शुगर एज रिक्वायर्ड जितनी आपको चाहिए। अब एक पैन ले लीजिए, उसके अंदर पानी ऐड करिए, आलू बुखारे भी डाल दीजिए इसमें, और साथ ही अब हम इसमें शुगर भी ऐड कर देंगे। शुगर ऐड करने के बाद इन सबको अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसको पकने के लिए रख दें। आफ्टर 5 to 6 minutes हमने देखा अभी आलू बुखारे हमारे पके नहीं हैं, इनको 2-3 minutes के लिए और रख देंगे। और लीजिए हमारे आलू बुखारे गल गए हैं, ये देखिए। अब हम इनको निकाल लेंगे, इनके जो छिलके हैं वो सेपरेट कर लीजिए, इनको पील ऑफ कर लें और इनके जो सीड्स हैं वो निकाल के इस जूस को ठंडा कर लें। अब हमने इन सब चीज़ों को ब्लेंडर में डाला और इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया। अच्छी तरह इसको ब्लेंड कर लीजिए और अगर आपके जूस का कलर थोड़ा लाइट है रेड तो आप इसमें एक पिंच, बिल्कुल थोड़ा सा आप इसमें रेड कलर भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हमने ब्लैक सॉल्ट ऐड की, शुगर आप एज रिक्वायर्ड यूज़ कर सकते हैं जितनी आपको चाहिए, और इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लीजिए। साथ ही इसमें थोड़ी आइस भी शामिल कर दें। और इसमें मैंने थोड़ा पानी ऐड किया है, आप इस जूस को बनाकर फ्रिज में भी रख सकते हैं। थोड़ा सॉल्ट भी डाल दीजिए और ये देखिए हमारा ठंडा ठंडा कूल कूल प्लम जूस रेडी है, यानी आलू बुखारे का शरबत हमारा बन गया है। आप इसको ठंडा ठंडा कूल कूल सर्व कीजिए और ये बहुत ही रिफ्रेशिंग लगता है। ये बहुत ही छोटी और सिंपल सी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक में मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरे बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो न्यू रेसिपी तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।